लोगों का जो समंदर गुड़गल में आ गया है, समंदर गुड़गल में आ रहे हैं। दहेज़ ये लोगों ने कार्य करते बंद कर दो, क्या लग पड़ रहा है इसको? क्या लगी ने? सूरज जो लोग हैं, बन्ने क्या लग पड़े मुंडे बन्ने? अंगड़ियों तो अपने इनको बार दो, बन्ने, रंगना, अर्शा, बन्ने मुंडे बन्ने। बने गले बने हंगरी बात कर रहे हैं तो रो बर्बाद कला बर्बाद को यार शाह बने मरी जनाब हमारे नौजवान मुख्यमंत्री जनाब कुमार राणा साहब का आप तमाम माँ बाप की जानिब से उनका खैर मकदम करता हूँ। हजरात आज जो कुंडल हल्के से हमारे डॉक्टर रवि नागराज साहब, जनाब देवेगौड़ा साहब और जनाब कुमार राणा साहब हयादत में जेडीएस पार्टी के उम्मीदवार बने हैं, जनाब कुमार राणा साहब उनके कैंडवस के लिए आए हैं, मैं आप तमाम माँ बाप से उनका खैर मकदम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। हजरात आज 10 तारीख को होने वाले चुनाव में डॉक्टर रवि नागराज साहब जो इस कुंडल क्षेत्र से उम्मीदवार खड़े हैं, मैं जनाब डॉक्टर रवि नागराज साहब जो एक नौजवान साथी हैं और जेडीएस में अच्छे काम करते आए हैं, जेडीएस पार्टी में कांग्रेस पार्टी के छोड़कर मैंने जेडीएस पार्टी दाखिल की है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी से बेहतर जेडीएस पार्टी है। जेडीएस पार्टी में जनाब कुमार राणा उनके क़ियादत में अखिलेश उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो 4% का रिजर्वेशन उन्होंने जनाब देवेगौड़ा साहब ने जो दिया था वो बीजेपी सरकार ने निकाल दिया, उसको फिर से लाने के लिए जवाब कुमार राणा साहब ने उनको वादा किया है वो जरूर से होकर रहेगा। इस गरज से आप तमाम अहबाब जनाब कुमार राणा साहब को जो गुलपोशी कर रहे हैं इसका मैं तहे दिल से ममनून मजबूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आज सारे कर्नाटक के अंदर पौगढ़ से लेकर कुंडल तक जो 6 असेंबली हल्के हैं 6 के 6 जेडीएस पार्टी जीतते हैं जनाब कुमार राणा साहब के क़ियादत में, फिर से कर्नाटक के अंदर जेडीएस की हुकूमत कायम होगी। तुमकुर जिले के अंदर 8 उम्मीदवार जेडीएस के जीतेंगे। इस गरज से कुंडल असेंबली हल्के में जनाब